भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 12 लाख को पार कर गई है और मौत का आंकड़ा 29,000 को पार कर गया है। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना का महासंकट जारी है, तो देश और दुनिया में कोरोना की तबाही का क्या है आलम, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 45,720 नए मामले सामने आए। वही पहली बार एक दिन में मौत का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,38,635 हो गई है। इनमें 4,26,167 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 7,82 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 29,861 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को भारत में कोरोना के 3,50,823 टेस्ट किए गए। इसी के साथ देश में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 1,50,75,369 पहुंच गया है। भारत में अभी कोरोना के 4,26,167 केस एक्टिव हैं। अब नजर डालते हैं देश में प्रभावित राज्यों पर। देश में प्रभावित राज्यों का हाल। महाराष्ट्र 3,37,607 संक्रमित, 12,556 की मौत। तमिलनाडु 1,86,492 संक्रमित, 3,144 ने गवाई जान। दिल्ली 1,36,323 संक्रमित, 3,719 की मौत। कर्नाटक 75,833 संक्रमित, 1,519 की हुई मौत। आंध्र प्रदेश 64,713 संक्रमित, 823 ने गवाई जान। भारत में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। वहीं दुनिया भर में भी कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब नजर डालते हैं दुनिया भर के आंकड़ों पर। संक्रमितों की संख्या हुई 1,53,79,791। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,30,312। महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा 93,54,882। दुनिया भर में एक्टिव केस की संख्या 53,94,597। 24 घंटे में 2,80,286 लोग हुए संक्रमित। वहीं 24 घंटे में 7,128 लोगों ने गवाई जान। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच कई देशों से कोरोना की वैक्सीन बनाने की खबरें भी आ रही हैं। ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और परिणाम भी बेहतर मिले हैं। ट्रायल सफल रहने पर भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। खैर, देखना होगा कि कब तक इसकी दवा तैयार हो पाती है और मार्केट में आती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।